सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गॉप ड्राइवर का सैलरी के बारे पे। सो एक्चुअली गवर्नमेंट ड्राइवर जो होता है वो कितना समय तक ड्यूटी करना पड़ता है। एक्चुअली बोला जाएगा तो मतलब इस टाइम तो आप लोग को पता ही होगा 10 to 5 है, लेकिन जब ऑफिसर लोग फ्लाइट विजिट करने के लिए जाते हैं तो मतलब देर भी हो सकता है, तो उसके कारण हम लोगों का टाइम नहीं रहता है। और एक्चुअली हम लोगों का जो सैलरी है उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा और सब लोग मतलब जानने के लिए इच्छा होता होगा कि मतलब कॉप का ड्राइवर जो होता है कैसे क्या करके मतलब क्या एग्ज़ाम देने से मतलब एक कॉप ड्राइवर बन सकता है और उसका सैलरी कितना होगा। एक्चुअली सैलरी के बारे में मेरा मतलब कुछ दोस्तों ने भी पूछा है एक वीडियो बनाने के लिए कितना GF VF मिलता है। एक्चुअली मैं अभी हूँ अपना होम टाउन पे हुजाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे ही मतलब मुझे जॉब मिल गया PWD डिपार्टमेंट में। तो आप लोगों को मतलब मैं अपना पे स्केल जो है उसको स्लिप जो है उसको मैं दिखा के मतलब आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पे स्लिप है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है श्री दोरेंद्र सिंघा और प्रान नंबर भी दे दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक पे। तो मुझे बेसिक पे कितना दे दिया गया, देखो PV लिखा हुआ है, पे इन द PV 14,000 और ग्रेड पे मुझे मिला गया है यहाँ पे 5,200। टोटल पे हो गया मेरा दोनों को प्लस करके 19,200। ओके, यहाँ पे मुझे मिला है DRS अलाउंस 8,064 और हाउस रेंट मिला है मुझे 1,344। सो अभी टोटल सब मिला के मुझे 29,208 और यहाँ पे मेडिकल का 600 भी इंक्लूडेड है। और नीचे में और कुछ दिया हुआ है, मतलब जो हम लोग ग्रोस टोटल जो है वो हो गया 29,208 और उसमें से हम लोगों के लिए मतलब क्या होगा कि जो क्या बोलते हैं इसको NPS के लिए थोड़ा काटता है, काट के रखता है, मतलब क्योंकि हम लोग NPS के अंदर पे जॉब कर रहे हैं, पहले वाला पेंशन सिस्टम उठा दिया गया है, तो उसके कारण मतलब NPS के लिए कुछ काटता है। कितना काटता है मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा NPS के लिए काटा गया है यहाँ पे 2,726 रुपीज़ काट दिया गया है NPS के लिए, और GIS का 200 रुपीज़ काट दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स 208 काटा गया है, और सब मिला के मेरा टोटल डिडक्शन हो गया 3,134 रुपीज़ टोटल डिडक्शन हो गया। तो मेरा पहला था 29,000 समथिंग था, तो वहाँ से मतलब मेरा 3,134 डिडक्ट करने के बाद मुझे नेट अमाउंट जो है वो मुझे मिलने वाला है 26,074। तो मेरा अकाउंट पे मतलब 26,074 रुपीस आने वाला है। तो गाइस, पहला ये मेरा पहला मन का स्लिप था, और एक्चुअली ये जो सैलरी है एक्चुअली प्रोविजनल हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए बोल रहे हैं रेगुलर सैलरी मिलने के लिए। तो पता नहीं वहाँ पे कुछ चेंजेस होगा तो मैं बताने के लिए ट्राई करूँगा। सो गाइस, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं और भी ड्राइविंग और गवर्नमेंट ड्राइवर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा। और अभी भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हुजाई मार्केट पे हूँ। तो गाइस, अभी मैं सर के साथ आया था मार्केट पे।